ब्रेक के बाद मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। वैसे तो फाइट क्लब का प्रचलन विदेशों में ही ज्यादा है, लेकिन अब ये क्रेज मुंबई के युवाओं पर भी खूब छा रहा है। मुंबई में भी फाइट नाइट में अब बढ़ चढ़ कर फाइटर्स हिस्सा ले रहे हैं। फाइट क्लब का प्रचलन वैसे तो विदेशों में ज्यादा है, ये एक एंटरटेनिंग स्पोर्ट है और मुंबई में भी अब इसका फीवर चढ़ता जा रहा है। मेरे साथ आज मौजूद है कुछ फाइटर्स जो आपको टेक्निक सिखाएंगे इस फाइट की। मुंबई में बढ़ते फाइट नाइट के क्रेज का हमने भी जायजा लिया और पहुंचे मस्जिद बंदर स्थित स्टूडियो, जहां ये फाइटर प्रैक्टिस करते हैं। पहले वार्म अप होता है, फिर फाइट की तैयारी। फाइट में काफी ज्यादा टेक्निक्स की जरूरत होती है, अगर जरा सी भी गलती हुई तो ये खतरनाक खेल मौत का भी खेल बन सकता है। ये हैं प्रशांत कुमार, जो मुंबई में फाइट नाइट ऑर्गेनाइज कराते हैं और फाइटर्स को कई बरसों से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और ये हैं इनके ट्रेन्ड फाइटर्स जो फाइट नाइट में हिस्सा लेते हैं। जरा देखिए इनका डेमो फाइट। फिल्मों में जब आप फाइट या एक्शन सीन देखते होंगे तो आपको वो हीरो हीरो नजर आता होगा, लेकिन आज हम मौजूद हैं रियल फाइटर्स के साथ और इनसे भी हम ये स्पोर्ट सीखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट नहीं, सेल्फ डिफेंस में भी मदद करता है। इस खतरनाक खेल को हमने भी सीखने की कोशिश की। हाथ में पंचिंग ग्लव्स से शुरुआत करते वक्त ही पता चलने लगा कि ये खेल कितना खतरनाक हो सकता है। ये हाफ ग्लव्स होते हैं जिससे ग्रिप मजबूत बनने में मदद मिलती है। पंच के दौरान हाथों को चेहरे के करीब बिल्कुल सीधा रखना होता है और पंच मारते वक्त जोर से सांसों को बाहर की ओर छोड़ना होता है। गेम में मूवमेंट भी जरूरी होता है ताकि एनर्जी बरकरार रहे। इस गेम का इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के लिए किया जा सकता है। आखिरकार थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेने के बाद हमने भी कामयाबी हासिल कर ही ली और टेक्निक का इस्तेमाल कर हट्टे कट्टे फाइटर्स को पलट दिया। वैसे इन फाइटर्स को इस खतरनाक खेल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वैसे आप अगर यूएस जाओगे या फॉरेन कंट्री जाओगे तो इसके लिए दो दो चैनल चलते हैं और ये वर्ल्ड में नंबर वन गेम आ रहा है एमएमए। इट्स अ ग्रेट गेम, मतलब अगर तुमको स्ट्रीट फाइट सीखना है तो यू लर्न एमएमए। एमएमए जैसा कोई गेम नहीं, क्योंकि जैसा मार्शल आर्ट का जूस है ये। इसमें किक बॉक्सिंग, मुआय थाई, ताइक्वांडो, तुम जूडो, रेसलिंग, जो भी तुमको मार्शल आर्ट्स आता है वो वेलकम इन द एमएमए रिंग। उसके अंदर सारी चीज़ों का जूस है, इज अ कॉलेज एमएमए। मैं सेवन ईयर्स का था जब इसे मैंने शुरुआत किया। मेरे मम्मी डैडी मतलब कराटे में डाले मुझे, किक बॉक्सिंग में, जब से मैं मतलब इसी में हूँ। फिर जिस तरह बड़े होते गए उस तरह डेवलपमेंट होते गया, उस तरह और अच्छा लगने लगा मुझे, तो अभी तक मैं किक बॉक्सिंग में ज्वाइन ही हूँ। इस खेल में नॉकआउट के दौरान टेक्सास में एक की मौत भी हो चुकी है, लेकिन मुंबई में इस खेल के प्रति युवाओं के बढ़ते क्रेज को देखकर यही कहा जा सकता है कि फाइट इज नॉट ओवर। हमने आज इन फाइटर्स के साथ यहाँ ये गेम सीखने की कोशिश की, जिसमें थोड़ा बहुत डर तो लगा लेकिन डर के से ज़्यादा मज़ा आया। और ख़ास बात ये कि सेल्फ डिफेंस के तरीके इसमें सीखने को मिले। कैमरा पर्सन खड़क के साथ काम्या भट्टाचार्य, TV9 मुंबई। फाइट नाइट का बढ़ता क्रेज अब मुंबई में भी युवाओं को खासा आकर्षित कर रहा है। फुल टाइम फाइटर बनाने के लिए अब युवा ट्रेनिंग लेने भी पहुंच रहे हैं। वैसे ये खेल जितना आनंद देता है उतना ही खतरनाक भी है। ये है थ्रिलिंग, एडवेंचरस, एंटरटेनिंग गेम, जहां रिंग में फाइटर्स उतरते तो हैं तो फिर इनका बस एक ही लक्ष्य होता है, जीतना। यूं तो इस गेम की शुरुआत विदेशों से हुई, लेकिन अब भारत में, खास तौर पर मुंबई में भी युवा इस गेम को खूब पसंद कर रहे हैं। लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी इस फाइट में शामिल होने से बाज नहीं आ रही। इसके दर्शक भी हाई क्लास सोसाइटी के होते हैं, जो इस गेम को देखने के लिए मोटी रकम खर्च करते हैं। फाइट नाइट की रात इसी तरह से भीड़ जमती है। फिल्मों में अपने फाइट क्लब में रिंग के अंदर फिल्मी सितारे को लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन असलियत में ये कितना खतरनाक होता है वो आप देख सकते हैं। इस क्लब में जब ये फाइटर्स उतरते हैं तो अलग सा ही माहौल होता है। रिंग में एक एक पंच कीमती होता है, क्योंकि इस पंच के लिए मिलती है मोटी रकम, और जीत के साथ साथ पैसा भी मिले तो गेम का मजा ही कुछ और हो जाता है। इस गेम की खासियत ये है कि इसमें फाइटर्स हर तरह की फाइट, जैसे मार्शल आर्ट, कराटे, जूडो,
ताइक्वांडो आदि का जमकर इस्तेमाल करते हैं। इस गेम में हिंसा के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का भी मौजूद है जो लोगों को आकर्षित करता है। ये खेल मौत का खेल भी साबित हो सकता है क्योंकि इसमें खिलाड़ी के सिर पर जब जीतने का खून सवार होता है तो वो कुछ भी नहीं देखता, फिर चाहे रेफरी कितना भी रोकने की कोशिश करे वो नहीं मानता। खेल खतरनाक होते हुए भी ये मुंबई के युवाओं को इतना आकर्षित कर रहा है कि वो अब इसे फुल टाइम प्रोफेशन बनाने के प्रति भी गंभीर हो चुके हैं। काम्या भट्टाचार्य, TV9 मुंबई। मॉर्निंग न्यूज में वक्त हो चले एक और ब्रेक का।